ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिटर थ्योरी क्लास जो हमारी चल रही थी उसका जो है पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिटर थ्योरी के लिए सेकेंड ईयर की जो क्लास थी उसका पार्ट 10 सॉल्व किया जाएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका आप ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से देख सकते हैं इन क्वेश्चन का, या फिर PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस बार हम लोगों ने PDF में थोड़ा चेंजेस किया है कि क्वेश्चन की संख्या अधिक किया है 40-50 एक PDF में, प्लस उन क्वेश्चंस का हमने उनके साथ ही आंसर देने की कोशिश किया है जिससे कि आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह में PDF देखने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के लास्ट में बिल्कुल आंसर है आपको फिर नीचे स्लाइड करके जाना पड़ रहा है, फिर ऊपर आना पड़ रहा है, दिक्कत होती है। इसलिए इस बार हमने क्या किया कि जो आंसर है वो क्वेश्चन के साथ देने की कोशिश की है। तो एक बार आप लोग PDF डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। बाकी डाउनलोड कहाँ से करना है तो www.globalit.org, यहीं पर आप जाकर के इस वेबसाइट से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई न्यूज अपडेट का भी यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे आप न्यूज अपडेट दे सकते हैं, टाइम टेबल अपने एग्जाम को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस कोई भी जब आप ITI पास कर जाओगे उसके बाद जो सरकारी नौकरी वगैरह आती है उसकी अपडेट भी आपको इस वेबसाइट पर मिलती रहती है। तो इस वेबसाइट को आपको चलाना सीखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, बाकी इस वेबसाइट को यूज कैसे करना थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपका, एक मिनट का समय लगेगा। आपको अपने फोन में क्या करना है, आपको अपने फोन में सर्च कर लेना है ग्लोबल ITI। आप अपने फोन के ब्राउजर में जैसे ग्लोबल ITI सर्च करोगे पहली वेबसाइट इस ऐप से मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब ओपन होगा, इसमें ये जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट, ये सब ऑप्शन आपको मोबाइल में नॉर्मल दिखाई नहीं देगा। मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उन लाइनों पर क्लिक करते ही आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको ITI कोर्स पर क्लिक करने पर 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको फिटर थ्योरी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब ओपन होगा, आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। और फिर आपको नीचे को फिर स्लाइड करना है और नीचे देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको स्लाइड करके पूरा अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है, कि वह कौन सा कटिंग टूल है जिसको 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हम लोग उसको क्या करते हैं, कटिंग टूल को टेम्पर्ड करते हैं, टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, टैप, ड्रिल, टर्निंग टूल, रिमर। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर बताऊंगा ही, साथ में और भी जो बाकी इन्होंने नाम दे रखा है ना इनका भी मैं बता दूंगा कि इन्हें कितने डिग्री सेल्सियस पर टेम्पर करते हैं। आप चारों ऑप्शन का याद रखिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। टर्निंग टूल, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा टर्निंग टूल होता है, जो लेथ मशीन पे हम टर्निंग टूल यूज करते हैं ना, लेथ मशीन का हमारा चक होता है, चक में हम लोग बेलनाकार जॉब को पकड़ लेते हैं, बेलनाकार जॉब घूमता रहता है, और इधर फिर एक हमारा टूल होता है लेथ मशीन के कैरियर जो अगर यहाँ टूल पोस्ट में बधा रहता है, और यहाँ से हम हैंड व्हील को घुमाते हैं या आगे पीछे, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे टर्निंग करता है, कटाई करता है बेलनाकार जॉब का। तो यह जो जॉब पे यह लेथ मशीन पे बेलनाकार जॉब को जो टर्निंग करने के लिए जो हमारा कटिंग टूल यूज किया जाता है इसी को टर्निंग टूल बोलते हैं। तो यही जो टर्निंग टूल है हमारा, इसको टेम्पर्ड करने के लिए हम लोग 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर ले ड्रिल की, ठीक है, तो ड्रिल वाला जो होता है हमारा, इसको हम 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ठीक है, टर्निंग के लिए 230 डिग्री सेल्सियस, अगर वही ड्रिल का पूछता तो 240, वहीं पे टैप का अगर पूछ देता तो 250, रीमर का पूछ दे 260। इनको आप सीरियल से करके चाहिए तो लिख लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो, सीरियल से लिख लीजिए, पहले टर्निंग टूल, फिर ड्रिल, फिर टैप, फिर रीमर, इसी क्रम में याद कर लीजिए। टर्निंग टूल, फिर क्या है, ड्रिल है, टैप है, रीमर है, तो 230, 240, 250, 260 आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा था कि 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड करते हैं, टर्निंग टूल को करते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो आप जानते होंगे। टैप क्या होता है, टैप आपका थ्रेडिंग टूल है जो किसी भी जॉब में आंतरिक चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। बाहरी चूड़ी काटने के लिए हमारी डाई यूज की जाती है, किसके साथ, डाई स्टॉक के साथ, डाई स्टॉक के साथ डाई यूज किया जाता है। जबकि कहीं पे आंतरिक चूड़ी, किसी पाइप में आंतरिक चूड़ी काटना है तो टैप यूज करते हैं। और ड्रिल तो किसी जगह पे नया होल बनाने के लिए ड्रिल का यूज किया जाता है। रीमर तो कहीं पे अगर होल हो रखा है उस, मतलब होल को अगर फिनिश करना है, कहीं पे ड्रिल किया गया होल और उसकी फिनिशिंग करनी है, स्मूथ फिनिशिंग करनी है, तो वहां पर रीमर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, देखिए हीट ट्रीटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग आपका जो होता है, हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, एनिलिंग होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन हमें दिक्कत आती है
कंफ्यूजन वाला, वो किसमें रहता है हमारा, एनलिंग में और नॉर्मलाइजिंग में। और ये मैंने शुरू के ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, और इससे कई सारे क्वेश्चन भी आ गए। तो जो जिन्होंने शुरू में वीडियो दो तीन तक लगातार तीन चार तक वीडियो देखा होगा ना, उन्हें दिक्कत ही नहीं होगा, वो अब इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने सब ट्रिक और सारा तरीका बता दिया है कैसे आप आसानी से पहचान जाओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से देखिए ज्यादा मजा आएगा। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, और इससे भी ज्यादा मजा तब आएगा करने में अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। ये चीजें मैं बार बार बोलता रहता हूँ, हालांकि मतलब एक बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब पढ़ाओ तो ये चीज़ दिमाग में आ जाती है कि यार आपको थ्योरी पढ़ना, मैं बार बार बताता हूँ कि आप चाहे किसी कम्पिटेटिव वाले एग्जाम में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना थ्योरी के कहीं भी काम नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि यार आप ITI सिर्फ आपको नहीं करनी है ना, आगे भी तो कुछ करना है। अगर आपको आगे कुछ करना है तो थ्योरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, और आप कैसे भी मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ITI का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से एकदम निचोड़ करके चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, ठीक है। जिन्होंने वो थ्योरी पढ़ रखी होगी उन्हें क्वेश्चन करने में खुद मजा आ रहा होगा, और उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या चीज़ पढ़ा है और क्या फायदा हुआ है उनको। तो यहाँ से आप मतलब अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी एग्जाम पास करना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग की बात कर रहा है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो पहले देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कीजिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। किसकी बात कर रहा है, दिमाग को दौड़ाइए, रटना नहीं हमें, आप अपने दिमाग को शार्प बनाइए, सोचिए उसके बारे में, तब ज़्यादा तेज होंगे, ठीक है। रटना नहीं है, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। काटने की क्षमता जोड़ने के लिए कोई भी टूल किसी दूसरे टूल को कब काट पाएगा, जैसे आप किसी दूसरे को कब मार पाते हैं भाई, तभी तो जब आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ज़्यादा मजबूत हो, तो कमज़ोर वाले को एक थप्पड़ ना तुरंत। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई अगर ये जो आपका मटेरियल है, यह जो मटेरियल है यह हार्ड होगा तभी तो सॉफ्ट वाले काटेगा। किसी चीज़ को हमें काटना है तो इसका मतलब जो हम दूसरा मटेरियल उसको काटने के लिए यूज कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, कठोर होगा। कठोर होगी कोई चीज़ तो जल्दी घिसेगी नहीं, जल्दी कटेगी नहीं, लेकिन दूसरे को काट देगी। तो ये कह रहा है कि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, तो काटने की क्षमता कैसे जोड़ेगा, जब उसको हार्ड कर दें हम लोग, कठोर हो जाएगा तो वह उसमें काटने का गुण आ जाएगा, दूसरे को काट देगा जब खुद कठोर रहेगा। तो वही चीज़ है, काटने की क्षमता कैसे जुड़ेगी, जब उसे हार्ड करेंगे। हार्ड कैसे होगा, हार्डनिंग के द्वारा। हार्ड कैसे होगा, हार्डनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए वाला मतलब हार्डनिंग हो गया। उच्च कठोरता विकसित करने के लिए, उच्च कठोरता मतलब किसी जॉब को उच्च कठोर बनाने के लिए, भाई ये भी वही बात होगी, उसमें कठोरता का गुण कब आएगा, जब उसे हम हार्ड करेंगे, मतलब हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे, तब कठोरता का गुण आएगा, दूसरे का भी वही ऑप्शन हो गया। तीसरा देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करना है, तो अभी उसको देखते हैं। फिर चौथा क्या कह रहा है, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, कि कोई हमारा जॉब या टूल जो जल्दी घिसे नहीं, तो जल्दी कब नहीं घिसेगा। फिर वही बात होगी कि भाई कोई चीज़ जल्दी तभी नहीं घिसेगा ना, अगर वो कठोर हो, सॉफ्ट होगा तो घिस जाएगा, हार्ड होगा तो नहीं घिसेगा। तो यह जल्दी घिसे नहीं, उसमें घिसने का प्रतिरोध बढ़ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हार्डनिंग का गुण बढ़ाना होगा, उसे कठोर करना पड़ेगा, फिर वही हार्डनिंग आ गया। मतलब तीनों ऑप्शन किसके हैं, हार्डनिंग के, बचा एक, तो ऐसे ही हो जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए। मैंने बताया भी था कि जो हमारा एनिलिंग होता है वह स्टील को सॉफ्ट बनाती है, वो मसलिबिलिटी करने का गुण लाती है, सब एक ही बात है। सॉफ्ट बनाना मतलब नरम हो जाना, अगर कोई चीज़ नरम है सॉफ्ट है तो उसे आप आसानी से काट और घिस सकते हैं, और जिस चीज़ को आसानी से काट और घिस सकते हैं उसी को बोला जाता है कि उसके अंदर मसलिबिलिटी का गुण है। तो उसी चीज़ को लिखते हैं किताब में कि मशीनबिलिटी का गुण बढ़ाना, सॉफ्ट बनाना, आप अलग अलग रखते हो, अलग अलग मत रटो, सब एक ही बात है, उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करो। स्ट्रेस स्ट्रेन को भी दूर किया जा सकता है एनिलिंग की मदद से, लेकिन जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कभी कभी जहाँ पे ऑप्शन में ना होता, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा भी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग के द्वारा हम आंतरिक संरचना के जो होता है उसको भी रिफाइन करते हैं, या फिर इनके जो ग्रेन है आंतरिक कड़ है उसको भी रिफाइन करते हैं, आंतरिक दोष को दूर करते हैं, ये सब नॉर्मलाइजिंग के द्वारा होता है। नॉर्मलाइजिंग के द्वारा क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन तो दूर हो रहा है, प्लस मेन जो इनका काम है आंतरिक संरचना को रिफाइन करना, या फिर कह लीजिए इनके ग्रेन साइज को रिफाइन करना, या फिर आंतरिक दोष को दूर करना, ये सब नॉर्मलाइजिंग के काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। ध्यान से देखिएगा, यही दिक्कत होता है, इसलिए इंग्लिश वाला वर्ड जानना बहुत ही जरूरी है। वियर का मतलब घिसा होता है, वियर का मतलब क्या होता है, घिसा होता है। जब इस वर्ड को पढ़ेंगे तो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वियर का मतलब घिसा, और रेजिस्टेंस का मतलब विरोध, मतलब जो जल्दी घिसे नहीं, घिसाव का विरोध करे, जो जल्दी घिसे नहीं। तो कोई चीज जल्दी कब नहीं घिसेगी, अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज जल्दी नहीं घिसेगी जब वो क्या होगी, कठोर होगी। कठोर मतलब हार्ड होगी, क्या होगी, हार्ड होगी। हार्ड कब होगी, जब उसमें हार्डनेस का गुण होगा, जो कि हार्डनिंग के द्वारा आता है। तो वही चीज कह रहा है कि स्टील की वियर रेजिस्टेंस को कौन बढ़ाएगा, तो जब वो कठोर होगा, कठोर हार्ड, हार्ड का मतलब हार्डनिंग, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एनिलिंग वाला मैंने आपको बता रखा है कि यह स्टील को सॉफ्ट बनाती है, सॉफ्ट बनाएगी तो मुलायम हो जाएगी, मुलायम का मतलब उसमें मसलिबिलिटी का गुण आ जाएगा, मतलब उसे आसानी से काटा और घिसा जा सकता है, डक्टिलिटी का गुण आ जाएगा, यही सब तो है आपका स्टील का।
सॉरी एनीलिंग का, उसके बाद है टेम्परिंग। तो जो हार्डनिंग और टेम्परिंग होती है ना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि टेम्परिंग से क्या होता है कि शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, मतलब वो झटकों को सहन कर सकती है, शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि भाई जब हार्ड करती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो कठोर तो हो जाती है जिससे वो घिसेगी नहीं, लेकिन दिक्कत हो जाती है कि जब ज्यादा हार्ड करने की वजह से कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस का मतलब थोड़ा भी झटका लगेगा तो टूट जाएगा। तो जो आप किसी जॉब की कटाई कर रहे होंगे, कहीं जॉब में गड्ढा वगैरह आ गया तो थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो आपका टूल टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आप यूज नहीं कर पाओगे। भले ही वो हार्ड है तो क्या कर लोगे जब वो झटका को सहन ही नहीं कर पाएगा। तो वह जो अतिरिक्त भंगुरता आ गई हार्डनिंग करने के चक्कर में, तो इसीलिए आप कभी भी देखेंगे हार्ड और टेम्पर हमेशा एक साथ आता है कि इस टूल को हार्ड और टेम्पर करते हैं, कि हार्ड करने के बाद जो अतिरिक्त भंगुरता आ गई उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग मतलब वही, उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, फिर उसे ठंडा कर दो, तो उसमें टेम्परिंग से क्या हो जाएगा कि वो थोड़ी सी जो अतिरिक्त भंगुरता थी वो समाप्त हो जाएगी, जिससे उसमें शॉक रेजिस्टेंस का गुण आ जाएगा, टफनेस का गुण आ जाएगा, जिससे वो झटके को सहन कर पाएगी। ठीक है, ब्रिटलनेस का गुण थोड़ा कम हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग क्या होगा, तो मैंने बताया आपको कि यह आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए, आंतरिक संरचना को रिफाइन करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, उसके लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो वही है कि भाई आप रटे रहो, याद रहे, दूसरा मैंने आपको जो बताया कि आप ऑप्शन पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन पढ़िए और उनको समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, आपको अपने आप उत्तर निकल के आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एनीलिंग का उद्देश्य क्या है, देखिए कह रहा है स्टील को नरम करने के लिए, स्टील को नरम करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको छोड़ता हूं। काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, कोई किसी भी चीज में काटने की क्षमता कब जुड़ेगी, जब वो कठोर होगा। यही बात मैं बार बार बता रहा हूं, मतलब यह हार्डनिंग वाला आ गया, हार्डनिंग। घिसने के प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, भाई जल्दी घिसेगा नहीं कब, जब वो हार्ड होगा, यह भी हार्डनिंग वाला आ गया। स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए, तो मैं बार बार आपकी लाया जा रहा हूं कि चाहे ग्रेन संरचना को रिफाइन करना हो, आंतरिक संरचना को रिफाइन करना हो, आंतरिक दोष को दूर करना हो, क्या होता है नॉर्मलाइजिंग, मतलब किसी चीज को नॉर्मल करने की कोशिश करना, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, हार्डनिंग नॉर्मलाइजिंग बचा क्या, पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि स्टील में जो एनीलिंग किया जाता है, क्यों, स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए या डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, सब एक ही बात है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है। देखिए कॉलर का मतलब क्या है, यहाँ फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हूं, मैंने लिया हुआ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं, स्क्वायर हेड स्क्रू है, मतलब जिसका देख रहे हैं ना, एक फलक, दो फलक, तीन और चार, चार ही फलक है, स्क्वायर हेड स्क्रू है। और कॉलर का मतलब हो गया जब स्क्रू बनाया जाए। नॉर्मल में क्या होता है कि भाई हमारे स्क्वायर हेड स्क्रू हो गया और इसके साथ हमारी सैंक हो गई, या फिर हेक्सागोनल हो गया, इसके साथ सैंक हो जाएगी। लेकिन जब हम स्क्रू को बना रहे होते हैं, तो उसके हेड के साथ स्क्रू को बनाते समय ही उसके नीचे फोर्जिंग करके एक वासर नुमा आकृति बना दी जाती है। नीचे देख रहे हैं ना फिगर में, इसका जब हेड बनाया जा रहा था, जब हमारे स्क्रू बनाया जा रहा था ना, स्क्वायर हेड स्क्रू या हेक्सागोनल वाला भी आता है, तो जब हम स्क्रू बना रहे थे तो उसका हेड बनाते समय, उसी समय जब स्क्रू बन रहा था, उसी समय नीचे गोलाकार आकृति वासर का फोर्ज करके बना दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कि हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू विथ कॉलर। कॉलर का मतलब उसके हेड के साथ वासर बना देना, मतलब अलग से वासर हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब स्क्रू बना रहे थे उसी समय हमने हेड के साथ नीचे वाला ऐसा फोर्स करके गोलाकार में वासर बना दिया, तो वही हमारा कॉलर कहलाता है। ठीक है, कि स्क्वायर हेड स्क्रू कॉलर। तो इससे फायदा क्या है, कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए सिरे की चौड़ाई बढ़ाएं। देखिए चौड़ाई बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लीक प्रूफ ज्वाइंट का भी मतलब नहीं, साधनों के लिए पहुंच प्रदान करें, सब बेवकूफ वाले कॉलम है, इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, मतलब कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, जहां पे हमें लगाएंगे तो भाई इसीलिए तो वासर लगाते हैं, ताकि यह पूरा अच्छे से इसका प्रेशर वहां पे फैल जाए और वह कार्य की सरफेस को सुरक्षित रखे। कम रहेगा तो वहां टूट जाएगा ना, जैसे कहीं पे होल है आप देखते हो ना, वासर लगाने से क्या होगा कि वह जो वासर है इस बोल्ट पे जो नट को टाइट करते समय, इस स्क्रू पे इधर से नट को टाइट करते समय क्या होगा, जहां भी ये वर्कपीस में लगा होगा जिस होल में, वहां पे प्रेशर पड़ेगा। तो अगर वासर रहेगा तो अब इसका प्रेशर वासर पे जाएगा, वासर इसकी हेड के पेचा अधिक चौड़ा है ना, तो इसके प्रेशर को इस एरिया में बांट देगा, तो जिससे उसकी सरफेस सुरक्षित रहेगी वर्कपीस की। ठीक है, अगर यही नहीं लगाए होते तो सीधे प्रेशर वहां होल पे पड़ता और होल के अगर मान लो ज्यादा आसपास ही रहता, मतलब होल अगर चौड़ा ही होता तो क्या करता, टूट करके अंदर भी जा सकता है, उसके कारण की जो सरफेस वो खराब हो सकती है। तो वासर वही करता है कि उसको
जो प्रेशर है उसको बांट देता है और इससे हमारी सरफेस सुरक्षित हो जाती है, तो अपन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपका सिर्फ ये चीज लिखा हुआ था, फिगर मैंने अलग से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। बार बार मैं कहता हूं, देखिए आपको ये सब जो फिगर है ना, फिगर तो जरूर याद होना चाहिए। जैसे नाम जब लिया जाए, रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, तो जब भी कोई नाम ले तो आपके दिमाग में तुरंत नाम लेते ही उसका फिगर आ जाना चाहिए। अगर फिगर आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फिगर देखो, समझो कि वो चीज़ है क्या। अगर आपके दिमाग में फिगर आ गया तो आप सही से समझ जाओगे, ठीक है। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है, परफेक्ट फिट। देखिए टेपर प्लग गेज यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए टेपर में नॉर्मल प्लग गेज था तो मैंने आपको फिगर बनाकर पहले बताया भी था कि इस टाइप से होता है भाई, और बेलनाकार हिस्सा एक साइड ज्यादा बड़ा होता है और एक साइड वाला छोटा होता है। जो लंबा वाला होता है उसे गो कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे नो गो कहते हैं। तो नॉर्मल प्लग गेज हो गया, लेकिन टेपर प्लग गेज थ्रेड वाला में क्या था कि इस पर थ्रेड काट दिया गया था, ठीक है। तो थ्रेड प्लग गेज हो गया था, टेपर प्लग गेज मतलब उस पर टेपर कर दिया जाए। तो देख रहे हैं ना इसमें क्या किया गया, टेपर है, इधर से इधर चौड़ा होता गया, टेपर है। लेकिन जो भी जॉब का हम टेपर मतलब किसी होल का टेपर चेक करते हैं, क्योंकि ये प्लग गेज है तो अंदर की माप चेक करेगा, रिंग गेज होता तो बाहर की करता। तो हमने टेपर रिंग गेज भी आपको पीछे क्वेश्चन में कराया था, तो टेपर रिंग गेज होता तो बाहरी माप को चेक करता, यह होल के टेपर को चेक करेगा। तो यह जब जिस होल को हम चेक कर रहे हैं ना, तो उस होल के अंदर इसको हम प्रवेश कराएंगे। अगर वह होल टेपर में बना हुआ है किसी भी जॉब में, या जॉब हो गया इसमें होल अगर टेपर में बना हुआ है, अगर हम इसको इसमें प्रवेश कराते हैं तो इसका यह वाला जो लाइनिंग दिख रहा है ना, मतलब यह हमारा अगर यहीं होल में इतना ही घुस करके रुक जाता है, इतना ही प्रवेश करके रुक जाता है, तो इसका मतलब होल सही नहीं बना हुआ है। यहां भी अगर यहां तक पहुंच कर भी रुक जाएगा तब भी होल नहीं सही बना हुआ है। मतलब यह जो टेपर प्लग गेज है हमारा, यह होल के अंदर कहां तक प्रवेश करना चाहिए, इन दोनों लाइनों के बीच में, इसलिए लाइनें बनी हुई है। देखिए ये जो दोनों लाइनें बनी हुई है ना, मतलब हमारा यह टेपर प्लग गेज या तो होल में यहां तक पहुंच जाए या तो यहां तक पहुंच जाए, या इसके बीच में कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा भी मतलब अगर इसके अंदर भी चला जाता है टेपर प्लग गेज इस होल के अंदर, तब भी उस होल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि होल सही नहीं बना, टेपर सही नहीं है होल में। और अगर इससे पहले ही फंस के या रुक जाए, टाइट हो जाए और ये ऊपर ही रुक जाए, तब भी यह सही नहीं है। यह सही होल टेपर कब माना जाएगा, जब यह टेपर प्लग गेज इन दोनों लाइनों के बीच में इसके अंदर प्रवेश करे, मतलब या तो यहां तक प्रवेश कर जाए या यहां तक, यहां तक, यहां तक, या मैक्सिमम यहां तक, मतलब मिनिमम यहां तक प्रवेश करना चाहिए, मैक्सिमम यहां तक प्रवेश करना चाहिए, तभी उस होल को सही माना जाएगा, ठीक है। तो यह किस लिए यूज किया जाएगा, तो होल के टेपर को चेक करने के लिए। ऑप्शन देखिए पहला क्या है, परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें, ठीक है, परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें। तो भाई होल की जांच करने के लिए तो नॉर्मल प्लग गेज हो जाएगा ना, अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करें तो थ्रेडेड के लिए भाई थ्रेड प्लग गेज। फिर कह रहा है परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड होल की जांच करें, टेपर होल लिखा हुआ ना, टेपर्ड होल, तो टेपर होल की जांच करने के लिए हमारा क्या है, टेपर प्लग गेज है, वहां पे मैंने दिखाया अभी आपको। फिर बाहरी ब्यास के टेपर की एक रसीज, तो भाई बाहरी ब्यास के अगर टेपर की एक रसीज जांच करनी है तो फिर क्या होगा, टेपर रिंग गेज होगा, टेपर रिंग गेज, क्लियर हुआ ना। यह वाला प्लग गेज, प्लग गेज यह वाला जो है थ्रेड वाले आ गया, तो भाई थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज। जब टेपर आ गया तो टेपर प्लग गेज, कितना आसान है, जो काम है वही नाम है इनका, और बाहर की बात आ गई तो टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एडजस्टेबल रिंग लैंप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जो हमारे एडजस्टेबल रिंग लैंप होते हैं ना, उसमें स्लॉट दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है वही पूछ रहा है। ये चीज मैंने हालांकि पीछे के क्वेश्चन में मैंने कराया था ये वाला, ठीक है। जो हमारा रिंग लैंप होता है ना एडजस्टेबल वाला, तो इसमें भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक पहला फिगर आपको दिखा रखा है मैंने, तो यह जो है यह बुश टाइप वाला होता है, स्प्लिट बुश लैंप बोलते हैं, स्प्लिट बुश लैंप, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना जैसे हमारे सांप का बियरिंग में जो बुश यूज किया जाता है, बुश कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, और सांप टावर जो हमारे प्लम्बर ब्लॉक होता है बीच में बुश डाल दिया जाता है, जिससे कि सांप या जो हमारा प्लम्बर ब्लॉक हो वो जल्द और सीधे ना घिसे। क्योंकि भाई अगर प्लम्बर ब्लॉक घिस गया या सांप घिस गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सांप या पूरा प्लम्बर ब्लॉक बदलना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं बियरिंग वाले में, कि हम वहां पर एक बुश यूज करते हैं, ऐसे ही पतली चद्दर की बूस ले लेते हैं, बेलनाकार आकृति का, गन मेटल का बना होता है, उसको लगा लेते हैं ताकि बूस घिसे तो उसे आसानी से बदला जा सके। तो यह भी देख रहे हैं उसी बूस की तरह बेलनाकार आकृति का दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बूस लैंप कह देते हैं। और चूंकि यह बीच में से स्लॉट टाइप का कटा हुआ है, विभक्त है, दो भागों में विभक्त टाइप का है, इसीलिए स्प्लिट बूस लैंप कह देते हैं।
आकृति बुश के जैसी बेलनाकार आकृति की, बुश के जैसा बेलनाकार है, इसलिए बुश बोल दिया हमने, और दो भागों में विभक्त है, स्प्लिट बुश लैब बोल दिया। और यहाँ पे देखिए स्क्रू दे रखा है, इसकी मदद से हम थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये स्प्लिट बुश लैब हो गया, ठीक है। और जो नीचे दिखाया गया था, देख रहे हैं रिंग की अंगूठी की जैसे गोलाकार है, तो ये हमारा एडजस्टेबल रिंग लैब होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला मैंने पहले कराया था आपको, एडजस्टेबल रिंग लैब बोलते हैं, रिंग लैप। मैंने इसमें बताया था आपको कि भाई जो यह होल दिया रहता है यह किस लिए होता है, तो यह लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए होता है, जबकि इसमें जो यह स्लॉट कटा होता है तो यह किस लिए होता है, तो मैंने आपको बताया था, इसकी मदद से हम इसके साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते थे, जो हमारा लैपिंग कंपाउंड था इनकी फीडिंग को भी, कि भाई कितना फीड देना है, ज्यादा टच करना है कम टच करना है, तो इनकी फीडिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता था, मैंने आपको बताया था। तो यही पूछा है कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, फिगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, फिगर मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग लैप में स्लॉट, तो देखिए एडजस्टेबल रिंग लैप ही है, यह भी रिंग लैप का ही प्रकार है, लेकिन ये स्प्लिट बुश लैप है, ठीक है। तो एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो यह स्लॉट की बात कर रहा है ना, इसकी बात नहीं कर रहा है, अगर होल की बात करता कि छिद्र क्यों दिए जाते हैं, तो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार इसने स्लॉट वाला पूछ दिया है, और वो मैंने आपको बताया हुआ किस लिए होता है, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए, ठीक है। मीन ये वाला रहेगा आपको, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है, इसको तो आपको तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो आया नहीं था पहले, लेकिन मैंने इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन जो इस टाइप का आया हो तो उसमें कराते हुए मैंने बता दिया था कि जो बोरान कार्बाइड होता है हमारा, वो कठोरता में डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे आता है, प्लस डाई व गेजों की लैपिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लस मैंने ये भी बताया था कि यही एक ऐसा हमारा एब्रेसिव है जो महंगा भी है लेकिन उतनी अच्छी कटाई के गुड़ नहीं होते, मैंने नोट करने के लिए भी आपको बोला था उस टाइम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। डायमंड वाला तो मैंने बताया था सुराखों की लैपिंग के लिए, किसके लिए, सुराखों की लैपिंग, और टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और किसके लिए, और बताया था सिरेमिक के लिए, किसके लिए, सिरेमिक के लिए, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का मैंने बताया था, जहां अधिक मात्रा में धातु काटनी हो तो सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं, या आपका हार्ड स्टील के लिए, हार्डेंड स्टील के लिए यूज किया जाता है, और कास्ट आयरन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने बताया था, जहां पे उच्च कोटि की फिनिशिंग की जरूरत होती है, उच्च कोटि की फिनिशिंग की जरूरत होती है, वहां पर हम यूज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें भी दो था, फ्यूज्ड एल्युमिनियम, अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम। फ्यूज्ड वाला जो था हमारा सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील और नॉन फेरस के लिए था, जबकि अनफ्यूज्ड वाला जो था वह उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए, थोड़ा अधिक मात्रा में धातु घिसने के लिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने पहले में करा रखा है, इसके पीछे वाला पार्ट देख लीजिए, वहां से आप नोट कर सकते हैं। अगला है लैपिंग क्या है, फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन। देखिए ये भी मैंने बता रखा है, पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था भाई फाइलिंग ऑपरेशन तो फाइल के द्वारा होगा ना, फाइल मतलब रेती, फाइलिंग ऑपरेशन तो लैपिंग के द्वारा करेंगे नहीं, लैप के द्वारा तो करेंगे नहीं, वो रेती के द्वारा करेंगे। ग्राइंडिंग ऑपरेशन ग्राइंडिंग के द्वारा करेंगे, चिजलिंग ऑपरेशन चीजल के द्वारा करेंगे। चीजल का मतलब क्या भाई, चीजल का मतलब छेनी, ठीक है। तो यह भी तीनों ऑप्शन गलत हो गए सीधे। देखिए क्वेश्चन करने का दो तरीका है, एक तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे आप आंसर बता लो वो रटा रटाया, या दूसरी चीज की आप ऑप्शन को पढ़िए। कभी कभी होता है ना आपको क्वेश्चन को पढ़ करके हार नहीं मानना है, एक बार होता ना क्वेश्चन पढ़े तो लगता है यार ये तो मैं जानता ही नहीं आगे, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इत्मीनान रखिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मैं उसके ऑप्शन को भी देख लूँ। कभी कभी ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन का देख लीजिए, भले आप इसका आंसर ना जानते हो लेकिन ये तो समझ जाएंगे ना कि फाइलिंग के लिए फाइल चाहिए, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर चाहिए, चीजलिंग के लिए चीजल चाहिए, छेनी चाहिए, तो अपने आप बच गया ऑप्शन डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस लैब टूल का नाम क्या है, देखिए इसका पूछ रखा है, ठीक है, वो मैंने अलग से आपको समझने के लिए लिया हो। देखिए यह कौन सा लैब है, इसने पूछ रखा है यह कौन सा लैब है, अभी मैंने पीछे वाले फिगर में दिखाया था भाई कौन सा है, बीच में कैसी दिख रही है, बेलनाकार आकृति है, कैसी बुश के जैसी है, और बीच में स्लॉट कटा हुआ, दो भागों में विभक्त है, इसलिए से स्प्लिट बुश लैब कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, स्प्लिट बुश लैब, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टेबल रिंग लैब, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसका भी हमने कई बार जिक्र किया, एडजस्टेबल रिंग लैब, जो होल बना हुआ किस लिए, जो स्लॉट है किस लिए, वो भी मैंने आपको बता रखा है। एडजस्टेबल सॉलिड लैब, तो यह जो आपको फिगर दिख रहा है यह रिंग लैब हो गया, और इस वाला यह भी एडजस्टेबल है लेकिन सॉलिड बोलते हैं,
उसको रिंग बोलते हैं। इसको सॉलिड देखने में भी ये थोड़ा ठोस टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इसमें भी देखिए दो चीज, इसमें ग्रू होता है, यह भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, यह ग्रू हो गया और इसको स्लिट बोला जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, यह जो लंबा सा स्लॉट कटा हुआ है इसको स्लिट बोलते हैं, और यह जो वक्राकार ग्रू कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ है, इसको ग्रू बोलते हैं। ये मैंने बताया भी है कि यह जो ग्रू होता है लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, किस लिए यूज होता है भाई, लैपिंग कंपाउंड पकड़ने, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। जबकि ये जो स्लिट होता है ये किस लिए होता है, तो ये साइज को एडजस्ट करने के लिए, किस लिए होता है, साइज को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये एडजस्टेबल सॉलिड लैप हो गया, ठीक है। उसका भी फिगर आपने देख लिया, एडजस्टेबल सॉलिड लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप, और उसके बाद लास्ट है जो आपका चार्जिंग सिलेंडर लैप। तो यह कोई लैप नहीं होता है, यह बता रहा है चार्जिंग सिलेंडर लैप का मतलब जो सिलिंड्रिकल लैप है, जो बेलनाकार लैप है, इसको चार्ज करने की विधि होती है। यह लैप नहीं है, चार्ज करने की विधि है कि भाई इस पर जो हम एब्रेसिव पेस्ट लगा करके, जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है उसे जब पेस्ट के रूप में इस पर लगाते हैं और यह जब कटाई के योग्य बन जाता है तो उसी को बोला जाता है कि इसको हमने चार्ज कर दिया। जब लैब के ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल को लगाया जाता है तो उसी को चार्जिंग बोला जाता है कि यह अब चार्ज होगा, अब यह काम करेगा, ठीक है। तो चार्जिंग हमारा एक प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। बाकी ठीक है, आज के क्वेश्चन में इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पीछे के भी क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन को जो है उसके हर एक ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में बताऊँ, कि जिन्होंने मान लीजिए थ्योरी नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैक्सिमम समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा एकदम डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। बाकी हमेशा की तरह हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।